वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स। प्री एडवांस और अर्थमेटिक दोनों लेके चलूंगा। चाहे आप एसएससी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, परसेंटेज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और जिस वे से करा रहा हूँ आपके लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस कर लो। ऑलरेडी पार्ट वन से लेके पार्ट सेवन तक कंप्लीट करा चुका हूँ, इसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अगेन बता दूं, मैं प्री और मेंस दोनों लेके चल रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लिए तो प्री ऑटोमेटिक आपसे क्लियर हो जाएगा, वो भी आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ला सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की टाइमिंग वही है कि 11 से 3 पीएम के बीच आपको वीडियो, 11 से 1 पीएम के बीच वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई थी इसकी वजह से। फिर भी आज मैं डेली आपको 5 वीडियो मिलती है। 70 डेज के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी 24 जुलाई 2017 को आपका पूरा का पूरा प्री और अर्थमेटिक और एडवांस प्री और मेंस लेवल सारा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इस तरह से 300 प्लस वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे एंड साथ ही साथ आपका प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़, अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मेरी टीम के लिए है, ताकि हम ऐसे ही डेली 5 वीडियो देके आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएं। अगर जिन लोगों को भी मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, यू कैन कंट्रीब्यूट कर सकते हो यार, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 350 प्लस वीडियो आपको 201 वीडियो की कीमत भी अगर देखोगे ना तो वो भी कम पड़ जाएगी। और यहाँ पे प्री और मेंस लेवल के कंप्लीट कराया जा रहा है, आप जाके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये है मेरा पेटीएम नंबर, ये है मेरा तेज नंबर, आप किसी भी है, या तो अकाउंट नंबर से देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद आप जब भी पे आउट कर दें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ताकि आपको मैं एक ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ पे मैं आपको वीडियो की लिंक भी देता हूँ, साथ साथ आपको कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड पीडीएफ, जैसे जो टॉपिक मैं कराता हूँ उसकी पीडीएफ और डाउट सेशन भी लेता हूँ। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा पार्ट 8 है, इसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद मैं आपको टाइप अलग टाइप के, मतलब इस टाइप्स को अलग कैटेगरी में बांटा हूँ। हर एक पार्ट में एक टाइप वाइज क्वेश्चन ले रखा हूँ। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इज इतना एंड इतना। देखो कोई क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, तो देखो मैं ऐसे बना लेता हूँ कि मान लो ये हमारे बॉयज हैं, ठीक है, और ये हमारी गर्ल्स हैं, सॉरी हमारी, अब सेंस, अब यहाँ पे वो सेंस मत समझ लेना कि मतलब हमारी मैं बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक मतलब कि ये बॉयज हैं और ये क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है, ये गर्ल्स हैं। देखो बॉयज और गर्ल्स में क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनकी जो क्लास के रेशियो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, 7:5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 85% बॉयज आर पास इन द एग्जामिनेशन। 85% क्या है, बॉयज पास हैं एग्जाम में, और आगे देखो 93% गर्ल्स आर पास इन द एग्जामिनेशन। 93% क्या है, गर्ल्स पास हैं एग्जाम में। फाइंड हाउ मच परसेंटेज टोटल स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन, टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए एग्जाम में, ठीक है। अब देखो फिगर के ऊपर मत जाना, मैंने जस्ट लाइक आपको बता दिया कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, नॉट कंपेयर टू कि मतलब बॉयज ऐसे या गर्ल्स है, डजेंट मैटर, ठीक है, बन गए, चलो ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्लास में 7:5 है, बॉयज पास हो रहे हैं, 85% बॉयज पास हैं और 93% क्या है, गर्ल्स पास हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि टोटल परसेंट कितने स्टूडेंट, टोटल परसेंटेज पास स्टूडेंट्स बताना है, कि इन हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 85% लड़के हैं, 85% लड़के एवं 93% परीक्षा में लड़कियां पास हैं, तो कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी परीक्षा में पास हैं, यानी कि टोटल परसेंट पास निकालना है, विद्यार्थी कितने पास हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसकी बेसिक अप्रोच जानते हैं। देखो ये है बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच, देखो बेसिक अप्रोच में क्या है, आप सोचो हम क्या है, रेशियो दिया हुआ है ना 7:5, तो हम ऐसे मान सकते हैं ना 7x 5x, ऐसे ले लेते हैं कि बॉयज हैं 7x 5x। हम x पे ना मान के हमें क्या है, मतलब कि कोई एक इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं ना, 7 का मल्टीपल कोई भी ले सकते हैं, तो हम ऐसे लेंगे 70-50 ले सकते हैं, 700 और 500 ले सकते हैं, ठीक है, 7000 और
5000 ले सकते हैं। क्यों ऐसा लेंगे? क्योंकि देखो यार, एक्स की वेरिएबल लोगे फिर क्या फायदा, हम एक्स के जगह पे 100 ना ले लें कि एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक्स सपोज ही 100 एक्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 700 500 एक्स पे भी बन जाएगा। क्वेश्चन सेम ही है बट बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं। तो सबसे बेटर है हम बॉयज को मान लेते हैं कि कोई एक फैक्टर 100 है उससे हम कंपेयर कर देंगे, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 700 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 500। अब कुछ लोग इसमें डाउट ये करते हैं, मैं उनसे ये बोलता हूँ 7:5 है ना, हम मान लेते हैं 7x और 5x मानते हैं ना, तो उसी तरह क्यों ना हम मान लें इसका मल्टीपल, कोई एक मल्टीपल 14 और 20 भी मान सकते हो, डजंट मैटर, 7, 70, 50 मान सकते हो, मतलब इसमें कोई एक ऐसा फैक्टर से मल्टीप्लाई करो जो सारे में सेटिस्फाई करे, कहने का मतलब यही है। तो क्यों ना हम अच्छा मान लें 700 और 500 मान लें, ताकि परसेंटेज में क्वेश्चन है, ये परसेंटेज में है तो इजीली परसेंटेज कट जाए, 100 से आसानी से कट जाएगा। तो इसीलिए हम 7x और 5x ना मान के हम 700 500 मान सकते हैं, आप 70 और 50 भी मान सकते हैं, 7000 और 5000 भी मानोगे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ये है, देखो मैं इरेज करके, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आपको समझाऊंगा, लेकिन हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जैसे देखो आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हो, नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे नहीं चलता। देखो अब जैसे आप मानते हैं इसको कि बॉयज हैं 7x 5x बनाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं यार हम क्यों एक्स माने, क्यों ना हम एक्स को 100 ही ले लें, सपोज कर लें तो 700 और 500 ले लें कि बॉयज हैं 700 और गर्ल्स हैं 500। तो लो हमने बॉयज मान लिया कि 700 हैं, गर्ल्स कितने हैं 500, तो ठीक है। अब वही चीज़ है 7x 5x x के जगह पे हमने 100 अपने आप मान लिया, आप 10 भी मान सकते हो x को, कुछ भी मान सकते हो x को, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 85% क्या है बॉयज पास हैं, 93% गर्ल्स पास हैं, तो लोग कितने बॉयज पास हैं, बॉयज कितने पास हैं वो निकाल दें, 700 का क्या 85% 85 बाई क्या 100, ये कैंसिल हो गया। क्यों मैं 100 700 लिया था, अब समझ में आया कि 100 से 100 क्योंकि 85% था, एक्स मानते तो 100 नीचे रह जाता, इसीलिए मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम पहले ही उसको ऐसे यूज करें कि वो चीज़ कभी दिक्कत ना आए। तो देखो कितना हो गया ये 7, 5, 35, 8, 7, 56, 57, 58, 59, 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
गर्ल्स कितना 500 का 93%, 93/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब देखो आप अगर अब क्या करते हो ना, आप क्या करते हो 93 में 5 का मल्टीप्लाई करते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ 90, देखो 10, 5 को 10/2 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कर लूँ, 2 से भाग कर लूँ, तो मैं ये सिखाया था फास्ट मैथ कैलकुलेशन अगर आप देखे होंगे तो मैं डायरेक्ट भाग कर लेता हूँ, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, और 1 जीरो बढ़ा देता तो जीरो हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा, 465 आ गए, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। तो 465 ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूं कि देखो सोचो अगर टोटल पास कितने हुए, टोटल पास बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल पास कितने हुए, क्योंकि क्वेश्चन यही कर रहा पासिंग परसेंट, टोटल 595 + 465, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 5 15, 9 5 45, 46, सिंपल सा चीज है। तो देखो 5 5 10, 9 6 15 16, 5 4 9 1 10, इतना स्टूडेंट टोटल क्या है, पास हैं, परसेंटेज पास कह रहा है ना, परसेंटेज पास, परसेंटेज पास क्या होता है, कितने पास हैं, 1060, कितने में से टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के, 700 और 500 कितना 1200, इंटू क्या परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो से जीरो चला गया, 12 से कर लो तो 12 8 96, फिर 96 10, फिर 12 8 96, 1 सही 3%, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। ये था हमारा बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच में हमने किया क्या, सिंपल कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई थी 85%, 90, हमने आसान करने के लिए एक्स ना मान के 700 500 मान लिए, बॉयज इतने पास हैं, गर्ल्स इतने पास हैं, उसके बाद कितने टोटल पास हैं बॉयज और गर्ल्स इतने पास हैं, कितने में से टोटल 1200 में से परसेंटेज निकाल दे, इतना डिवाइडेड बाई इतना इंटू 100। ये तो रहा बेसिक अप्रोच। लेकिन मैं अगेन आपको बता दूं कि हमारे यहाँ आप सेशन में सीखने आए हैं थोड़ा समथिंग डिफरेंट। देखो एक डिफरेंट आप क्या सीखे, एक्स ना मान करके ये मानना, ये भी बेसिक अप्रोच है। लेकिन इससे भी आसान हम एक मेथड पढ़ते हैं और वो मेथड को हम हर जगह अप्लाई करेंगे, मेथड टू।
मेथड टू हमारा जो ये है ना बेस्ट मेथड है, और इसको हम बहुत जगह अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन में, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास बॉयज दिया हुआ था और गर्ल्स दिया हुआ था। बॉयज का रेशियो कितना था, 7:5, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो। बॉयज कितने पास थे, 85%, गर्ल्स कितनी पास थी, 93%। देखो अब आपको मैं एक सिंपल जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है और एक लड़की है, एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। एक के पास 85 रुपया है, 85 रुपया है, दूसरे के पास 93 रुपया है। दोनों के जेब में कितने पड़े हुए हैं, 85 रुपया, और दूसरे के पास गर्ल्स के पास है 93 रुपया। बॉयज के पास, बॉयज के पॉकेट में कितना है, 85 रुपये हैं, और गर्ल्स के पॉकेट में कितना रुपये हैं, 93 रुपये हैं। आप यहां से एक कॉन्सेप्ट सोचो, बताओ कि दोनों के पास मिनिमम कितने रुपए हैं, दोनों के पास तो 85 रुपए है ना मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, 85 इसके पास रुपए भी हैं, इसके पास भी 85 रुपए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 8 रुपया बॉयज के पास क्या है, एक्स्ट्रा है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि मिनिमम 85% है ना। देखो बॉयज और गर्ल्स है, ये रुपया उसके पॉकेट में, ये भी रुपया बॉयज के पॉकेट में 85 रुपए है, गर्ल्स के पॉकेट में 93 रुपए है। अगर मैं बोलूं कि दोनों के, बॉयज और गर्ल्स दोनों के पॉकेट में मिनिमम कितना रुपया है, तो मिनिमम 85 रुपया है दोनों के पॉकेट में, लेकिन गर्ल्स के पास कितना एक्स्ट्रा है, 8 रुपया एक्स्ट्रा है बॉयज से। बस ये कॉन्सेप्ट तो सारे लोगों को पता है, अब यही यूज हम करेंगे। जैसे कैसे हम यूज करेंगे, देखो ये बताओ, बॉयज और गर्ल्स में 85% पास ये हैं और 93% पास हैं, यानी दोनों में कौन सा मिनिमम, कौन सा हुआ मिनिमम, ये हुआ, यानी मिनिमम ये हुआ, यानी मिनिमम 85% क्या है, 85% तो मिनिमम पास हैं ही हैं, ओवरऑल पासिंग परसेंट चाहिए ना। अब देखो ये कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, यानी कि जो लोग पास, मतलब गर्ल्स जो है कितना एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है ना, 8% एक्स्ट्रा है, और 8% एक्स्ट्रा है तो कितने गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं, 8% एक लोगों के लिए है, 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 8, यानी टोटल कितना एक्स्ट्रा हो गया, 40 एक्स्ट्रा हो गया। अब जब भी याद रख लो, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा था ना, एक्स्ट्रा 8% है, तो टोटल अब गर्ल्स कितना, 8% एक्स्ट्रा है, तो कितनी गर्ल्स हैं, 5, तो कितना 40% एक्स्ट्रा हो गया, 40% ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रख लो, अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना और चीज थी कि अगर मैं करूँ ये जो 8 रुपये एक्स्ट्रा है ना, ये भी क्या हो जाएगा, अब हम घर तो लेके जाएंगे नहीं, उसी में बांट देंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रख लेना, तरबूजा कटेगा सब में बटेगा, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, बोल देता हूं, तरबूजा कटेगा सब में बटेगा। चलो भाई एक्स्ट्रा आ गया ना तरबूजा, इसको समझ लेना कि तरबूज है, अब तरबूज कट गया तो बटेगा किस में, दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में भी बटेगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया, 12 × 36, सही इतना परसेंट, इतना परसेंट हो गया। तो 85% मिनिमम तो दोनों के पास था, एक्स्ट्रा कितना आया फाइनली, ये यानी कि जोड़ लो, 85 और 3 कितना हो गया, आप देखो सिंपल सा चीज जोड़ लो तो कितना हो गया, 88 सही, 1/3%। इस तरह से भी क्या आ गया, आंसर सेम ही आया, बेसिक अप्रोच से भी सेम आया था, इस तरह से भी आंसर सेम आया था। अगेन एक बार इसको डिस्कस कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेथड टू हमारे पास क्या है, देखो मेथड टू ये है कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है क्या, 7:5, बॉयज कितने पास हैं, 85% पास हैं, गर्ल्स कितनी पास हैं, 93% पास हैं। हमने कहा क्या कि मिनिमम तो कितने पास हैं, मिनिमम 85%, यानी 85% तो मिनिमम पास हैं, रिजल्ट में होगा। साथ में देखो ये कितना एक्स्ट्रा है, 8 एक्स्ट्रा है ना, लेकिन 8 गर्ल्स कितनी एक्स्ट्रा परसेंट हैं, 8% एक्स्ट्रा हैं पासिंग, लेकिन कितने लोगों की है, गर्ल्स कितनी है, 5, तो एक्स्ट्रा टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक लोगों का 8 है तो 5 लोगों का 5 × 8, यानी कि 40% एक्स्ट्रा है। अब ये तरबूज कट गया, इसको एज ए ट्रीट करो तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज कट गया तो याद रखना तरबूजा कटेगा सब में बटेगा, बटेगा किस में, दोनों में बटेगा। तो 40 डिवाइड दोनों में बटेगा तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, या इसको करूंगा तो 12 × 3 सही, 3/3%, यानी कि ये एक्स्ट्रा वाला ऐड हो जाएगा इसमें।
तो टोटल पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 85 तो मिनिमम पास होते थे, 3 इतना एक्स्ट्रा सभी में बांट दिए तरबूजा कटा, और यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो गया 88 सही, 1/3% ये टोटल पासिंग परसेंट है। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, हमेशा याद रख लेना तरबूजा कटेगा सब में बढ़ेगा। अभी मैं जब एवरेज कराऊंगा ना तो आपको वहां पे एक चीज सिखाऊंगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो भी वो क्या है कि उस माइंड से आपको हमेशा हिट करेगा, अरे ऐसे क्वेश्चन था तरबूजा काट दिए तो हमेशा बटेगा दोनों लोगों में, ऐसे आप भूल जाते हो कि किसमें क्या करना है, जस्ट लाइक कोड मेरा वर्ड है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप भी ऐसे करना स्टार्ट कर देना, मीनिंग समझो कि हमारा जो एक्स्ट्रा आया ना वो सब में बटेगा, मैं इसको बोल देता हूँ कि तरबूजा कटेगा सब में बटेगा, ताकि आसानी से याद रखे। एवरेज मैं आपको कराऊंगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी एवरेज ज़्यादा साइड होगी उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस हम पढ़ते हैं ना, तो वो सब चीजें आपको एवरेज में वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम ही है, बस डाटा चेंज है, डाटा मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज है। देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन हैविंग टोटल 200 क्वेश्चन, कोई एक एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें 200 क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट सेक्शन हैविंग 130 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्टूडेंट गॉट 65% मार्क्स इन फर्स्ट सेक्शन बट ही गॉट इतना 69% मार्क्स इन द सेकेंड सेक्शन, फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें क्या है 200 टोटल क्वेश्चन है, हमारे पास कोई एक एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें क्या है 200 टोटल क्वेश्चन है, उसमें दो सेक्शन है, दो सेक्शन बटे हैं फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में 130 क्वेश्चन है तो सेकेंड सेक्शन में कितना बचा है, 200 में से 130 घटा लो 70 क्वेश्चन बचा। यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम आनी चाहिए यहां तक। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान दो, आगे क्वेश्चन करा कि ए स्टूडेंट गॉट 65% मार्क्स इन फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में उसको कितना मार्क्स मिला, देखो फर्स्ट सेक्शन में उसको 65 मार्क्स मिला किसी स्टूडेंट को, एंड सेकेंड सेक्शन में कितना मार्क्स मिला 69% मार्क्स मिला, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फाइंड द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ इसमें क्या है आपको लॉजिक समझना है। देखो फिर से एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स, किसी परीक्षा में 200 प्रश्न है, 200 प्रश्न है, पहले भाग में 130 प्रश्न है, पहले भाग में पहला भाग है 130 प्रश्न है, एक विद्यार्थी पहले भाग में 65% प्राप्त करता है, 65% प्राप्त करता है, जबकि दूसरे भाग में 69% प्राप्त करता है, दूसरे भाग में 69% प्राप्त करता है, प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी का कुल कितने परसेंट अंक, प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है, तो कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए। अब ये बताओ, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था टोटल की बात किया जा रहा है, जैसे हमने अभी जस्ट इसमें किया था टोटल परसेंटेज पासिंग परसेंट निकाला था, सेम वही है, इसका रेशियो ले लूं कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 13:7। अब देखो मिनिमम दोनों में कितना है, कितना अंक प्राप्त है, मिनिमम तो कितना है 65, अभी मैंने बताया था ना मिनिमम का कॉन्सेप्ट नहीं, हमेशा याद रखना गर्ल्स और बॉयज वाला रुपया वाला कॉन्सेप्ट, तो 65% तो मिनिमम प्राप्त ही होगा ना उसको, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है 4% एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का एक्स्ट्रा है 4%, 7 लोगों के लिए ना, क्योंकि रेशियो में हमने इसको काट दिया था 7 लोगों के लिए, तो 7 × क्या 1 लोगों के लिए 4% एक्स्ट्रा है, 7 लोगों के लिए 7 × 4 यानी कि 28%। जब ये एक्स्ट्रा आ गया तरबूज बन गया, तो तरबूज बन गया तो सारे में बटेगा, सारे में बटेगा यानी कि 80% तो है, 28% तो है, सारे में बटेगा, सारे का मतलब बटेगा 13 और 7 दोनों में बटेगा, 13 × 7 कितना हो गया 20, लो काट दूं 14 × 2 = 28, 10 × 2 = 20, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 यानी कितना हो गया 5, अगर मैं बात करूं तो इसको 5 × 5, देखो 5 × 5 इतना परसेंट, लो इसमें हम जोड़ देंगे 1 × 2/5% यानी कितना हो गया 66 × 2/5%, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर यहां से भी आप सोल्व कर सकते थे, इतना नहीं करने की जरूरत थी, 14 / 10 यानी कितना हो गया 1.4% जोड़ दो, 65% मिनिमम तो है ही, प्लस 1.4 जोड़ दो कितना हो गया 66.4%, यही है, अगर इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 0.44, तो 4 ये आंसर हो जाएगा, बात वही है इतना परसेंट। अगर फिर भी एक बार फिर से समझा देता हूं, देखो हमारे एग्जाम में क्या है,
अब ये इसके बाद मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको फर्स्ट सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है, सेकेंड सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, अगर 130 फर्स्ट सेक्शन में है तो दूसरे सेक्शन में कितना हो जाएगा, 70 बच जाएगा, क्योंकि टोटल 200 क्वेश्चन है। 130 इज टू 70 को मैं क्या करता हूँ, रेशियो में कन्वर्ट कर दूँ, 13:7 हो गया। अब देखो फर्स्ट सेक्शन में वो कितना प्राप्त करता है, 65%, सेकेंड सेक्शन में कितना प्राप्त करता है, 69%। मैंने बोला था ना मिनिमम, मिनिमम तो वो प्राप्त करेगा ही इतना, जैसे मैंने बोला था रुपया होगा मिनिमम, तो मिनिमम तो 85% प्राप्त होगा ही होगा। अब एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 4% का एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितने लोगों का, एक लोगों का 4% एक्स्ट्रा, तो 7 लोगों का 7 × 4 यानी कि 28% एक्स्ट्रा। तरबूज बन गया, दोनों में बटेगा, सब में बटेगा, तो 7 और 13 कितना हो गया, 20, इसको कटा लूँ तो कितना हो गया, 14/10 यानी कितना, 1.4, और 1.4 ये कितना आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा जोड़ दो 1.4, 85% पहले था, एक जोड़ दिए यानी सॉरी 65% पहले था, यहाँ पे 65% 65 पहले था, 1.4% जोड़ दिए यानी कितना हो गया, 66.4%। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन है, और इसको अगर आप बनाते तो देखो किस तरह से बनाते और कैसे क्वेश्चन को बनाते, ये सबसे बेस्ट मेथड है अकॉर्डिंग टू मी, नॉट कि मतलब मैं सारे लोगों को नहीं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्यों बेस्ट बोल रहा हूँ ना, इसके बेस पे देखो बड़े बड़े क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, लंबा कैलकुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या करा है, द प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब होता है गेहूं, ठीक है, व्हीट राइस एंड वेजिटेबल 7:5:8, हमारे पास व्हीट दिया हुआ है, गेहूं दिया हुआ है, और राइस दिया हुआ है, चावल दिया हुआ है, और वेजिटेबल यानी सब्जी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:5:8। क्वेश्चन देखो, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइस एंड वेजिटेबल इंक्रीजेज बाय इतना एंड इतना एंड इतना, कितना परसेंट इंक्रीज किया जा रहा है, वेट 7.5%, राइस 11.5% और व्हीट 12.5% इंक्रीज किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली, खर्चा का टोटल एक्सपेंडिचर फैमिली में उसका परसेंटेज बताना है, सेम क्वेश्चन है, बस अप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में आप खुद से देखना कि अगर आप जहां भी पढ़े होंगे किस वे से आप इस क्वेश्चन को बनाते थे, आज आप कितनी इजी से बना रहे हो। क्वेश्चन हिंदी में गेहूं चावल और सब्जियों के मूल्य का अनुपात 7:5:8 है, 7:5:8, अगर गेहूं चावल और सब्जियों का मूल्यों का क्रमशः इतना 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 परसेंट की वृद्धि किया जाए, इतना 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 की वृद्धि कर दिया जाए, तो परिवार का कुल खर्चों कितने परसेंट वृद्धि हो जाएगी, फाइनली टोटल वृद्धि की बात की जा रही है। जैसे हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तीनों में मिनिमम का कॉन्सेप्ट, मिनिमम कितना है 7.5, ये हमारा मिनिमम है, तो लो मिनिमम 7.5 तो होगा ही होगा। अब एक्स्ट्रा कितना, देखो ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा 4 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का एक्स्ट्रा है, 4, 5 लोगों का, तो एक के लिए 4 एक्स्ट्रा, 5 लोगों के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20 एक्स्ट्रा हो गया। ये देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5% एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का, 8 लोगों का, तो 8 × 5 कितना हो गया, 40, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 40 + 60 एक्स्ट्रा कितना हो गया, टोटल 20 + 40 कितना हो गया, 60% एक्स्ट्रा हो गया। अब ये तरबूज बन गया, तरबूज बन गया तो बटेगा, सब में बटेगा, सब में बटेगा कितना, 7, 5, 12, 12, 8, 20 सारे में बट गया, यानी कितना, 3% एक्स्ट्रा हो गया, यानी पहले 7.5% था, 3% और बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 10.5% क्या हो गया, परिवार का कुल खर्चा का प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल वे से, और इस क्वेश्चन में अगर आप करते ना, आप कोई भी अप्रोच लगा लो इसके अलावा, देखना कितना टफ है और कितने वे से आप लंबा कैलकुलेशन करते, क्या करते, पहले एक्स मानते, 700 500 800 भी मान सकते थे, फिर उसके बाद इतना परसेंट करते, इतना परसेंट ऐसे कर सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 7x 5x 8x, उसके बाद 7x का कितना है इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट अगर मैं बोलूं 100 पर, अगर परसेंटेज पे ले चलते तो एक्स 7x + 7x का कितना 7.5% निकालते, फिर उसके बाद इसका 5 + 5 इसका तीनों का निकाल के फिर जोड़ते, फिर उसके बाद परसेंटेज निकालते, एक्स निकालने के बाद ऐसे करते, बहुत लंबा चला जाता। आप करके खुद देख लेना बेसिक अप्रोच से कितना टफ बन जाएगा क्वेश्चन, और ये देखो इतने फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे, वो भी सिर्फ 2 से 3 लाइन लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में।
इन्हें एसएससी एग्जाम, देखो इन्हें एसएससी एग्जाम, देर आर फोर सब्जेक्ट। देखो आपकी एसएससी आ गई, अभी हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, एसएससी के भी क्वेश्चन आ गए। देखो कोई इन्हें एसएससी एग्जाम, देर आर फोर सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। लो भाई आप रिलेट करना अपने एग्जाम से, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो इसी की। देखो इसी के क्वेश्चन आ गए। मैथ में मार्क्स कितने हैं? 180, ठीक है। इसमें कितने हैं? 150। इसमें कितने हैं? 120। और इसमें कितने हैं? जीके जीएस में 75 क्वेश्चन में मेंशन है, 120, 150, इतना इतना रिस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट गॉट, कोई एक स्टूडेंट है, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब मैथ में कितना परसेंट प्राप्त किया? 65%। इसमें कितना प्राप्त किया? 67%। इसमें कितना प्राप्त किया? 70%। इसमें कितना प्राप्त किया? 67%। जो क्वेश्चन में था वो लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज इन द एग्जामिनेशन। लो भाई अब निकालो ना अपने परसेंटेज। देखो इसको अगर ये जस्ट लाइक ये डीआई में भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप बहुत लंबा करोगे। देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एसएससी की परीक्षा में चार सब्जेक्ट गणित, अंग्रेजी, तर्क क्षमता यानी रीजनिंग एंड सामान्य अध्ययन है। उनके कुल प्रश्नों, कुल अंक क्रमशः इतना 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 है, कुल क्रमशः इतना 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 अंक के हैं। एक विद्यार्थी इन विषयों में इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट अंक प्राप्त होता है, जो मैंने लिख दिया। तो विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मिनिमम का। मिनिमम सब में क्या है? 65% मिनिमम है, यानी 65% तो मार्क्स आया ही आया है। कितना एक्स्ट्रा आया? ये दो एक्स्ट्रा है। कितने लोगों का? देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लें। आपको अब टेबल पता होना चाहिए। 15 का टेबल पता है तो 15 12 कितना होता है? 180। 15 दहा में कितना होता है? 150। 15 अट्ठा 120। 15 पाँचे 75। तो ये आ गया फाइनली, क्या आ गया रेशियो ये है। तो ये बताओ कितना एक्स्ट्रा है? दो एक्स्ट्रा। कितने लोगों का? 10 लोगों का। तो 10 कितना एक्स्ट्रा? टोटल 20% का एक्स्ट्रा हो गया इस साइड। ये कितना एक्स्ट्रा है? 65 से 5 एक्स्ट्रा है। कितने लोगों का? 8 लोगों का। तो कितना हो गया? 8 5 40 एक्स्ट्रा हो गया। ये देखो ये कितना एक्स्ट्रा है? दो एक्स्ट्रा है। कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया? 10। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? ये देखो टोटल एक्स्ट्रा 40 20 60 10 70। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 70%। 70% एक्स्ट्रा हो गया। ये तरबूज बन गया। तरबूज बन गया तो सारे में बटेगा। लो भाई सारे में बटेगा। सारे में कितना बटेगा? 12 10 कितना हो गया? 22 22 30 5 35। तो 35 से डिवाइड करो क्योंकि सारे में बांट दो तो कितना बढ़ गया? 2%। और 2% एक्स्ट्रा है तो उसको जोड़ लो, कितना हो गया? 67%। देखो कितना आसान है। और इस क्वेश्चन को आप खुद से जैसे जहां भी पढ़े होंगे आप जहां भी पढ़े होंगे ना इस ऐसे क्वेश्चन आप बना के देख लेना कितना टफ आप बनाओगे क्वेश्चन को। और यही फर्क है, इसलिए बोल रहा हूं ना कि मैं मेंस लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं। प्लीज यार सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ अगर आपको रियल में जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है ना तो 200 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक वीडियो की कीमत 1 रुपये से भी कम है, 50 पैसे से भी कम है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है 70 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो, क्योंकि नहीं करोगे तो मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी, तो शायद मैं कंप्लीट ना करा पाऊँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट करो यार। मैं डेली 5 वीडियो देके एडवांस मैथ और प्री दोनों कंप्लीट करा रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।